तो यार गाइस वीडियो लेट होगी उसके लिए सबसे पहले सॉरी, एक मैटर था अब वो सॉल्व हो चुका है। अब अपन ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं 360 डिग्री वीडियोस और ये किस कैमरे से शूट होती हैं उसके बारे में और ऐसे ही कुछ अमेजिंग वेबसाइट्स के बारे में। सो ही हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो गाइस जब मैंने 360 डिग्री वीडियोस देखी तो मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा और मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आप लोगों को भी बताया जाए। दोस्तों 360 डिग्री वीडियोस को जाना जाता है इमर्सिव वीडियोस के नाम से और कहीं कहीं इन्हें स्फेरिकल वीडियोस भी कहा जाता है। दोस्तों इन वीडियोस की रिकॉर्डिंग में एक ही टाइम पे चारों डायरेक्शन की चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में चारों डायरेक्शन में एक ही टाइम पे जो भी हो रहा है उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों 360 डिग्री वीडियोस रिकॉर्डिंग में ओमनी डायरेक्शनल कैमरास का यूज़ होता है या फिर बहुत सारे कैमरा कलेक्शन को एक ही टाइम पे रिकॉर्डिंग में यूज़ में लिया जाता है। दोस्तों जो ओमनी डायरेक्शनल कैमरास होते हैं इसमें स्पेशली वाइड एंगल लेंसेस लगे होते हैं जो कि 360 डिग्री रिकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों जैसे ही पैनोरामा मोड में हम ज़्यादा लंबे एरिया का फोटो एक साथ ले सकते हैं और उसे देख सकते हैं एक ही टाइम पे, उसी टाइप से इसमें भी चारों डायरेक्शन की वीडियो एक टाइम पे देखी जा सकती है। दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि यूट्यूब में अपलोडेड हैं, तो कुछ 360 वीडियोस को मैं आपको दिखाना चाहूँगा यूट्यूब में, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलते हैं यूट्यूब में। सो गाइस हम आ चुके हैं यूट्यूब पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है 360 डिग्री वीडियो और उसके बाद आपको सर्च करना है। दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली वीडियो को हम प्ले करते हैं। गाइस वीडियो प्ले करने के बाद आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। सो गाइस अगर मैं अपनी उंगली के साथ वीडियो को स्क्रॉल करता हूँ तो मैं अदर डायरेक्शन की वीडियो भी एक ही टाइम पर देख सकता हूँ। दोस्तों मेरे लिए तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मैं पीछे की वीडियो भी देख सकता हूँ कि इस टाइम पीछे पे क्या हो रहा है, मतलब ये सब एक ही टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है। आप भी इस वीडियो का अमेजिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सर्च करके भी देख सकते हैं 360 वीडियोज़, ज़रूर एक बार देखिए। सो गाइस अगर हम बात करें पोर्ट्रेट मोड में तो गाइस हम पोर्ट्रेट मोड में भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं वीडियो कैसे चल रही है और मेरे फिंगर के स्लाइड करने के साथ साथ आप हर डायरेक्शन में इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है गाइस, वीडियो एक बार देखना ज़रूर। सो गाइस बात करते हैं आज के अमेजिंग वेबसाइट्स की जो कि है ऑप्टिकल इल्यूजन वाली। सो इसके लिए आपको सर्च करना है अपने ब्राउज़र में जाके strobe.cool और गाइस ये आपको सर्च करने के बाद जो पेज आता है वो एक अमेजिंग सा पेज आपके सामने खुलेगा ब्लैक कलर का। यहाँ पे स्टार्ट का बटन आपको क्लिक करना है, देन लेट्स गो पे क्लिक करने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ इसके बाद आपको एक वीडियो दिखेगी, 30 सेकंड तक आपने उस पर फोकस करना है, उसके बाद देखो मैजिक। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस अब देखिए अपने आसपास की जगह को क्यों हिला दिया ना। सो इसे कहते हैं गाइस ऑप्टिकल इल्यूजन जो कि हमारे दिमाग के साथ खेलता है। सो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ऑप्टिकल इल्यूजन की बात चली रही है तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट और बताता हूँ जिसमें आप बहुत सारे इल्यूजन देख सकते हैं। सो गाइस अगर हम बात करें अगली इल्यूजन वेबसाइट की तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है michaelbatch.illusion। गाइज यहाँ पे पहले ही आ चुका है तो हमने ये सर्च करते हैं। सो इसके बाद जो भी पहली लिंक आएगी उसको आपको ओपन करना है। दोस्तों हम पहले लिंक जैसे ही ओपन करते हैं तो आप पहुँच जाते हैं माइकल बैच के होम पेज पे और यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे राइट साइड में बहुत सारे इल्यूजन्स। गाइज इनका आप अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक इल्यूजन ओपन करके देखते हैं।
सो गाइस हमने एक इल्यूजन ओपन कर लिया है। सो गाइस ये इल्यूजन वीडियो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने दो बार्स हैं और पहले नीला बार आगे जाता है फिर येलो बार आगे जाता है। अगर आप इन सब को ध्यान से देखते हो तो गाइस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ गाइस इसमें एक साइंस है, ये दोनों बार साथ ही जा रहे हैं पर कलर्स के इल्यूजन के कारण हमें ऐसा लगता है कि एक बार पहले जाता है दूसरा बार फिर। गाइस ऐसी बहुत सारी इल्यूजन इस वेबसाइट में है, आप इनको देख सकते हैं और इन पे टेस्ट कर सकते हैं। और पूरी वीडियो अगर और चाहिए इस पे तो कमेंट कीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। सो गाइस जो अगली गूगल ट्रिक है वो काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी फनी है, आप बच्चों के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है एनिमल साउंड, शायद आपने इसका यूज पहले किया हो पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो गाइस हमने एनिमल साउंड्स यहाँ पे टाइप कर लिया। सो इसके बाद गाइस आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा गूगल पे और यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स की फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी। और गाइस जैसे इन एनिमल्स पे आप क्लिक करते हो तो आपको उसी की आवाज़ सुनाई देगी, ये काफ़ी फनी लगता है। तो हम सबसे पहले बैट पे क्लिक करते हैं तो हमें बैट की आवाज़ सुनाई दे रही है। ज़रा पकड़ते हैं, टैको 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 शीप पे, अरे वाव चिकन। और एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इनके आप साउंड्स को सुन के इंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक अमेजिंग अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए गाइस बाय, आप तब तक वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए।